कलयुग का ग्रह कौन सा है? कलयुग में किस ग्रह की शक्ति बहुत ज़्यादा है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, कलयुग का ग्रह राहु है और इसी राहु ने आपको बहुत कुछ देना है। राहु अगर देने पे आपको आ जाए तो बहुत कुछ जीवन में आपको दे देगा। अगर राहु खराब हो और नेगेटिव हो तो बहुत कुछ आपसे छीन भी लेगा। राहु से हम कैसे जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, राहु कुंडली में कब शुभ और कब अशुभ हो जाता है, किस तरह से राहु को हम शुभ रख सकते हैं, तो कुल मिला के आज की ये जो वीडियो है आपकी पूर्ण जानकारी राहु पर आपको देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कलयुग में कुछ ग्रहों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होती है कुछ ग्रहों की शक्ति बहुत ज़्यादा? अगर हम बृहस्पति की बात करें तो द्वापर, त्रेता, इनमें बृहस्पति ग्रह की शक्तियाँ अच्छी थी और उस समय पर लोग सच्चे ईमानदार हुआ करते थे, क्योंकि उस समय पर यही ग्रह की टेंडेंसी के असर के लोग थे। पर आजकल के समय में आपको लोग झूठे, मक्कार, चालबाज, धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले, इस तरह के लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस समय में ये कलयुग का जो समय है वो है ही इसी ग्रह के प्रधान के रूप में आपके जीवन में असर देता है। जैसे कि प्रधान किस कौन है इस कलयुग का? इस कलयुग का जो ग्रह है वो राहु है। पर राहु को कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। राहु को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग में चिरंजीवी जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी यानी कि मंगल, मंगल के देवता हैं, मंगल और राहु। अब ये दो ग्रहों की शक्ति कलयुग में असर दे रही है। आपको कैसे पता लगे कि कलयुग की शक्ति का असर आपके जीवन में है, थोड़ा सा समझिए। आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि लोगों का दिमाग कहीं दूसरे ही स्तर पर चला गया है। अच्छी सोच तो कम और गुस्सा, जज्बातीपन, इस तरह की चीज़ें, प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। कोई लोग तो अपने अंदर ये कंट्रोल कर लेते हैं पर कोई लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो राहु के जाल में, ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। आजकल के समय में आप देख रहे हो मेडिकल या कोई और फील्ड से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उन्नति, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किस फील्ड में हो रही है? वो हो रही है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आप पहले बटन वाला मोबाइल चलाया करते थे, आपके घर में लैंडलाइन हुआ करता था, आज के समय में देखिए मोबाइल आ गए हैं, वो भी टच स्क्रीन आ गए हैं। थोड़े दिनों बाद तो टच भी ख़त्म हो जाएगी, आप हवा में ही बटन दबा दोगे, इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो जाएगी और ये आने वाली है। अब ये शक्तियाँ किसकी हैं? ये शक्तियाँ सब की सब राहु से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राहु ही प्रधान देवता है और इससे जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत जल्दी, एक तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखिए कितना आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बाकी फील्ड में नहीं दिखाई दे रही है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, आपके सामने ही है, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें, जो बच्चों का एक फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ख़राब होता जा रहा है। बच्चों का एक एजुकेशन, जो किताब के साथ रीडिंग हैबिट है, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बृहस्पति के गुण हैं। किसी की इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि ये बृहस्पति के गुण हैं। पर हर एक चीज़ का अंत होता है, हर एक चीज़ का समय आता है। बृहस्पति और राहु में यही फ़र्क है कि बृहस्पति अगर देवता है तो राहु एक डाकू, एक चोर है। तो इस तरह से एक बात समझिए, एक कमरे में एक समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है, धैर्यवान व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसी कमरे में दूसरी सीट पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो फालतू की बातें करता है, हवा हवाई बातें करता है, ना किसी का बात का कहीं पैर है, ना सिर है, इस तरह की बातें करता है। तो क्या लगता है आपको, वो समझदार व्यक्ति उस बेवकूफ़ व्यक्ति के साथ बातों में उलझेगा? कभी नहीं उलझेगा, समझदार व्यक्ति चुप होकर ही बैठा रहेगा। तो बृहस्पति के गुण इस समय कलयुग में एक तरह से शांत होकर बैठे हुए बृहस्पति के गुण आपके जीवन में इस तरह से आ रहे हैं, और राहु प्रबल है, वो अपनी शैतानी, अपनी हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है आपके साथ। अब राहु के बारे में अगर हम समझें तो राहु के बारे में ये कहा गया है, राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। अब राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, मतलब तार देना। आप कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन होते ही मैं तो तर गया, तो इस तरह से ये राहु जिसे तारे, तारे मतलब उसके जीवन में अगर धन बरसाने पर आए ना तो उसे कोई रोकता नहीं है। और राहु है किसका ग्रह?
अगर राहु की बात करें तो राहु निम्न स्तर के लोगों का है। निम्न स्तर, जैसे कि आपने देखे होंगे कोई एक छोटा सा आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला स्टार बन गया रातों रात। एक वो चाय वाले की एक ऐड आ रही थी, जिसके पास चाय वाले के पास आके वो शायद बिल गेट्स है कौन है, उसने आके चाय पी उसके पास, तो वो रातों रात फिर स्टार बन गया। और इसी तरीके से कई झुग्गी झोपड़ी वाले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस या कोई ऐसे कारनामे कर देते हैं जिससे वो स्टार बन जाते हैं। अब वो जब एक बार बने तब आगे ही बढ़ते जाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये राहु का जीवन पर असर आता है। अब आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी असर आता है, आपकी सोच पर आता है, क्योंकि राहु दिमाग में उठने वाली तरंगे हैं, ये वाइब्रेशंस हैं, ये वो एक ऐसी तरंगे हैं जो आपको एक अच्छे आइडियाज़ देती हैं। आपको आइडियाज़ कैसे कैसे आते हैं, आप सुबह सुबह सोचते हो चलो यार आज मैं ये काम करता हूँ, बस काम पे निकल पड़े, काम करने के लिए आप पीछे पड़ गए, आपको पता है कि वो काम आपको एक अच्छी सोच दे रहा है, एक अच्छा आइडिया दे रहा है, आपने उस पर काम किया और आप सक्सेसफुल हो गए। हो सकता है कुछ शेयर मार्केट वाले लोग हों, हो सकता है कुछ जुआ लॉटरी सट्टे वाले लोग हों, हो सकता है कुछ गलत काम करने वाले लोग हों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु आपको शॉर्टकट के तरीकों में ही सफल बनाता है। ये नहीं कि आप मेहनत करो, आप ये सब करो, नहीं, वो यहाँ पर ऐसे धन आपके जीवन में बरसाता है जो शॉर्टकट तरीके से हों। अब राहु एक रिलेशन भी है। राहु रिलेशन किसका है, कैसे है? राहु अगर शुक्र की बात करें तो ये दोनों आपस में मित्र हैं, पर मित्र तभी हैं जब ये कहीं कंडीशन ऐसी मित्रता को फॉलो करते हों और वो कुंडली के अनुसार पता लगती है। फॉर एग्जांपल, सातवां घर आपके ससुराल का है, आपके जीवन साथी का है, आपकी मैरिड लाइफ का है। सातवें घर में अगर राहु बैठा हो तो ये कहीं ना कहीं ससुराल से मिलने वाले सुख काट देता है, ससुराल वालों से झगड़ा करा देता है, झमेला करा देता है, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर ससुराल का सुख मिलने ही नहीं देता है, शादी ही नहीं होती है, लोग तड़प रहे हैं लड्डू खाने को पर लड्डू मिलता ही नहीं है, इस तरह से लोग परेशान रहते हैं, झगड़े करा देता है। और राहु अलग अलग भाव में बैठ के अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहले घर में आपके नाना नानी का घर, आपकी थोड़ी, सातवें घर में आपका ससुराल, इस तरह से कहीं ना कहीं राहु के 12 भाव में बैठकर, जैसे चौथे भाव में धनिया की बात की गई है तभी धनिया जल प्रवाह करवाया जाता है, सातवें घर में राहु होता तो नारियल जल प्रवाह करवाया जाता है, और इसी तरह से सभी ग्रहों की व्याख्या होती है जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। अब राहु किसके साथ पॉजिटिव हो जाता है, किसके साथ नेगेटिव हो जाता है? राहु को उच्च करने के लिए, उच्च यानी कि एक अच्छी कंडीशन बनाने के लिए मंगल की सपोर्ट लेनी पड़ती है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो समझो आप बेफिक्र होकर सफ़र करोगे, पर ड्राइवर कहीं पर गड़बड़ हो तो जीवन के सफ़र का पता नहीं लगेगा, कोई गारंटी नहीं कि आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे या किसी खड्ड में गिरोगे। तो इसी तरह से अगर राहु हाथी है तो राहु पर, हाथी पर बैठने वाला जो महावत है, ड्राइवर है, वो मंगल है। तभी कहा जाता है कि अगर मंगल शुभ है तभी राहु आपके जीवन में अच्छा असर देगा, इसीलिए मंगल, इसी कलयुग के देवता, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान कैसे रखोगे, उपाय की चर्चा मैं करूँगा, पहले थोड़ा सा ये चीज़ें समझ लो तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने समझा राहु इस तरह से आपके जीवन में हाथी के रूप में ये आपके इफ़ेक्ट्स डालता है। हाथी के ऊपर अगर महावत बैठा हो तो हाथी सीधा चलेगा, अगर हम महावत नहीं बैठा है तो वो फसलें उजाड़ देगा, बस्तियां उजाड़ देगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हाथी अपनी मर्जी की चाल चलेगा। ये मर्जी की चाल तभी चलेगा जब महावत की दृष्टि या महावत यानी कि मंगल का प्रयोग कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है राहु को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाता है? जब सूर्य शुक्र आपस में मिलेंगे तब एक नेगेटिव मंगल बनेगा और राहु नीच बनेगा। जब मंगल और बुध बनेंगे, आपस में एक साथ मिलेंगे, तब ऐसे केस में राहु नीच हो जाएगा। जब सूर्य और शनि आपस में मिलेंगे तब मंगल बद हो जाएगा, यानी कि मंगल यानी कि महावत, बद यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, तो राहु अब अपनी शरारतें करने के लिए तैयार है। अब इस तरह से ये राहु कहीं ना कहीं परेशानियां देगा। सूर्य शनि का योग हो तब ये एक योग ग्रहण योग भी कहलाता है, पर यह कहीं ना कहीं और शक्तियां भी आपके जीवन में ख़राब कर देता है। लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, लोगों के साथ झगड़े हो जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, यानी कि राहु का काम है आपके जीवन में रुकावटें पैदा करना।
हर तरह से व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हीं झंझटों में उलझा रहता है, कुछ कर ही नहीं पाता है। अब राहु की परेशानी जीवन में कब जाकर कम होती है? अगर मान लीजिए सूर्य शुक्र की युति है तो वैवाहिक जीवन आपका परेशान कर देगा, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे देगा, धन की समस्याएं आपकी हमेशा क्रिएट रहेंगी, कुछ ना कुछ रुकावटें परेशानियां अचानक से आती रहेंगी। जब सूर्य शनि का योग है तो कारोबार में कामकाज में परेशानियां रहेंगी और अपने ही स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति परेशान रहेगा, अपना ही कहीं ना कहीं कुछ पता ही नहीं होगा, दिशाहीन व्यक्ति कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। और ये व्यक्ति की 42 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को परेशान करता है, और यही तो उम्र होती है कुछ कमाने, कुछ अपने लिए बनाने की, कुछ परिवार को खुशियां देने की, पर यही सब जीवन उसका भटकने में ही निकल जाता है, क्योंकि दिमाग हमेशा भटकाता रहता है, लोगों का जीवन अंधकार में बना रहता है। और अगर मान लीजिए राहु आपके जीवन में बीमारियां देने पे आ जाए तो ऐसी बीमारियां देता है जिनका पता नहीं लगता। राहु कहीं ना कहीं इंसान को दिमागी परेशानियां देता है, क्योंकि सोच ही दिमाग में जो तरंगे उठ रही हैं वो राहु है, वही खराब होंगे तो कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को भटकाता है, इधर उधर भगाता रहता है, व्यक्ति एक काम में अपना दिल नहीं लगा पाता। व्यक्ति राहु की दशा आती है तब परेशान होता है, कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी बात का फोबिया, किसी बात का कोई OCD टाइप की या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीज़ें होती हैं। और राहु अगर और परेशानियां देने पे आ जाए, दिमागी, जिसमें मिर्गी का दौरा होता है, दिमाग में किसी प्रकार की गांठ बन गई, किसी प्रकार से व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, मालिकोलिया आपने सुना होगा एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर हिलते रहते हैं, वो एक दिमागी परेशानी देता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोमा में ले जाता है, ओवर स्ट्रेस्ड कहीं ना कहीं करता है, एंजाइटी लेवल ज़्यादा करता है। व्यक्ति के दिमाग में दो ही तरह के विचार चल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एक विचार अगर दिमाग में चल रहा है तो दूसरा विचार दिमाग में नहीं आएगा। इसी तरीके से व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ही तरह के विचार, जो कि नेगेटिव विचार, जो कि दिमाग में हावी हो जाते हैं, उन्हीं विचारों में ही उलझा रहता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब राहु नेगेटिव हो, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा, इन मकानों में किसको नहीं जाना चाहिए, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ वीडियोज़ में। दक्षिण दिशा के मकान में ना रहें, टक्कर के मकान में ना रहें, टी पॉइंट के मकान में ना रहें, कोने के मकान में ना रहें, इस तरह की बातें मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है, मिलियंस में आजकल उसमें व्यूज़ जा रहे हैं, आप भी उसको सर्च करके देख सकते हैं, वरना मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर दक्षिण दिशा जब राहु नेगेटिव हो तब आपको दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, जब राहु आपका आठवें घर में हो तब दक्षिण दिशा में नहीं जाना है। अब जब भी आपके शनि 11वें भाव में हो या पहले भाव में हो तो दक्षिण दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ का आपका मकान, मकान से बाहर निकलते ही वेस्ट डायरेक्शन पड़ती हो तो कभी भी इसको फलदायी नहीं होगा। अब ये मकान की जो परेशानियां हैं दूर करने के लिए, जब मकान बनाते हो, जो भी मकान बना रहे हैं उन लोगों के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, चाहे आपको राहु के बारे में पता भी हो चाहे नहीं भी पता हो। मकान की दहलीज के नीचे एक पीतल का लोटा लीजिए, उस पीतल के लोटे में थोड़ा चावल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए या चांदी का स्क्वायर पीस डाल दीजिए, और ये लोटा छोटा सा लोटा होगा, ये आप अपनी नींव में ज़रूर दबाएं, दहलीज का जो हिस्सा होता है, जो आपको पता लगा कि आपका ये एंट्रेंस होगा तो उस हिस्से में कहीं पर भी दबा दीजिए। एक चांदी की तार ज़रूर डाल दीजिए उस दहलीज के नीचे, ये काम करना ज़रूरी है। अब दूसरा उपाय जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ना तो कुंडली की ज़रूरत है ना कुछ, आप अपने घर की दहलीज को साफ करना, उसकी पूजा करना बेहद ज़रूरी है। दहलीज पूजन आप त्योहारों पे करते रहिए, देखिए किस तरह से आपके राहु के पॉजिटिव असर मिलने शुरू हो जाएंगे। उपायों की बात आप करें तो दहलीज पूजन इसमें आ जाता है। जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है उसे मसूर की दाल और कुछ पैसे इत्यादि, मीठा इत्यादि देते रहें समय समय पर, उनका हक ना मारें, उनको कुछ ना कुछ देते रहें। त्योहारों पर घर से निकाला जाता है, आपके बड़े बुजुर्ग निकालते थे, आप नहीं निकालते क्योंकि आप बहुत समझदार हो गए हो इसीलिए परेशान हो, इसीलिए समझदारी को साइड में रखो। और जिन लोगों का कर्जा आपके ऊपर रहता है, जिन लोगों की सेवा करना आपका दायित्व है, उनके लिए घर से अनाज, राशन, कपड़ा, पैसा, ये चीज़ें समय समय पर देते रहो, तभी प्रगति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जोड़ जोड़ मर जाओगे पर मिलेगा कुछ नहीं आपको, इसीलिए देते रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ये कमाने का मौका इसीलिए दिया है ताकि आप अपने से नीचे के लोगों की सेवा कर सको। अगर आप अपना ये कर्म भूल जाओगे
तो कहीं के नहीं रहोगे। अब दूसरा उपाय है, जब मुसीबत पे मुसीबत आ जाए जीवन में, हर तरह की मुसीबत आ रही है, कहीं घर के क्लेश हैं, कहीं झगड़े हैं, कहीं बीमारी हैं, आपको लगता है आए दिन एक ना एक मुसीबत आ रही है, तो कुछ नहीं करना, मार्केट से जाइए, एक चांदी की ब्रिक, ठोस ईंट, इस तरह से फोटो में देखिए, ये ईंट होती है। अगर ईंट नहीं मिल रही है तो चांदी का सिक्का ही खरीद कर घर ले आइए, किसी भी दिन ला के अपने घर के सेफ में रख लीजिए या पूजा स्थान में रख लीजिए, सुख शांति की प्रार्थना करके देखिए, तुरंत ही आराम मिलेगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे, मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है, उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है लंबे समय से, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके वजन के बराबर जौ, जिसे बारले कहते हैं, वो लेके आप जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे बुधवार कर दीजिए, चाहे शनिवार कर दीजिए, ये दिन सबसे सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मौका मिल रहा है, तो किसी भी दिन के समय 12 से 1 के बीच में जाके जल प्रवाह कर दीजिए, बहते पानी में या झील इत्यादि में। अगर आपको लगता है ये उपाय नहीं कर सकते, तो दूसरा उपाय है, रात को एक मुट्ठी जौ बारले रखिए पानी में भिगा के, सुबह उठ के इसको पक्षियों को बाहर जाके डाल दीजिए, और ये नित्य करते रहिए जब तक रोगी ठीक ना हो जाए। कोई बुखार नहीं उतर रहा है रोगी का, बुखार अकारण चढ़ ही जाता है, बहुत सी तकलीफें हैं, वायरल है, कोई बीमारी है, कहीं कीमोथेरेपी लेके आए, कहीं पर कोई कुछ भी, आपको लगता है ये नहीं उतर रहा है, तो तरीका क्या है, एक मुट्ठी जौ लीजिए, थोड़ी सी गुड़ की डली लीजिए, एक गुड़ की डली लीजिए, दोनों को लाल कपड़े में बांध के आप रख दीजिए रोगी के सिरहाने, और ये आपने सुबह रखनी है, शाम के समय उठा के ले जाके अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पे जाके आप किसी मूर्ति के आगे, शिवलिंग के पास या शनि मूर्ति के आगे जाके चढ़ा के रोगी के सुख शांति की प्रार्थना करके चले आएँ। पर ये उपाय लगातार 4 दिन चलेगा, 4 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसके दवाइयाँ हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं दुआ काम आ जाएगी आपकी, दवा तो चल ही रही है। और देखिए, ये उपाय आपको लंबा भी करना पड़े तो कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको राहत भी दिखेगी और लंबी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। आपके कामकाज में किसी प्रकार के झूठे आरोप लग गए हैं, कोई झमेला हो गया, किसी तरह से कामकाज, जॉब, नौकरी, बिजनेस, कुछ परेशानी खड़ी हो गई है, तो अपने वजन के बराबर कच्चे कोयले जो लकड़ी से बनते हैं, ये देखिए इस तरह से फोटो में, ये आपको जल प्रवाह करने हैं, पानी में फेंकने हैं। अब पानी में फेंकने से पानी खराब नहीं होगा, ये पानी शुद्ध करेगा, क्योंकि कोयला है, लोग कहेंगे कि प्रकृति को गंदा कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हो, नहीं, ये गंदा नहीं करेगा, ये पानी को शुद्धि करने के लिए होता है। आपके घर में जो पानी का फिल्टर लगा है ना, उसमें भी चारकोल होता है, ये चारकोल की बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ये पानी में डालिए, देखिए आपके राहु शांत होंगे। अब राहु के लिए शादीशुदा जिंदगी को परेशानी देता है, तो टीन के डब्बे का उपाय है, टीन का डब्बा नहीं मिलता तो स्टील का डब्बा लीजिए, उसके अंदर आप गंगा जल भरिए, 1 लीटर का डब्बा लीजिए, गंगा जल भरिए, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालिए, ढक्कन लगा के ये डब्बा अपने बेडरूम में रखिए, देखिए वैवाहिक जीवन की परेशानियाँ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी कुल मिला के आपको पूरी चीज़ें समझ आ गई, तो मंगल और राहु को सही करना है। मंगल को सही करने के लिए ये होता है, त्रिधातु छल्ला अनामिका उंगली में पहन के रखिए, और मंगल की थैली एक अपने बैग में रखिए, एक थैली अपनी तकिया के नीचे अंडर द मैट्रस वहाँ पे परमानेंट रखिए। राहु के लिए आप सरस्वती माता का पूजन कर सकते हो, उनकी वंदना, उनका ध्यान कर सकते हो, या फिर आप दुर्गा माता का पूजन कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ मंदिर हो वहाँ पे चले जाइए और उनका पूजन करिए, और अपने राहु ग्रह की परेशानियों से आप निवारण पाइए। हनुमान जी की पूजा भी करते रहिए, जितना हो सके करिए, देखिए 2 ग्रह आपके सेट रहे तो जीवन में आप ही भी सेट हो जाओगे। बाकी ऐसी ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।